हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ऑलराउंड पे। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं आज कुछ आप लोगों को कीबोर्ड बजाने सिखाने वाला हूँ। कीबोर्ड कैसे बजाता है, बजाना चाहिए और कौन सा फिंगर यूज करना चाहिए, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, दोनों हाथ कैसे यूज करना चाहिए, कौन सा फिंगर और सारे गामा कैसे बजाना चाहिए, माइनर मेजर कैसे बजाना चाहिए वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आप लोगों को दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रही है यहाँ पे कीबोर्ड रखा हुआ है और मैं अभी आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। तो दोस्तों, कीबोर्ड बजाने से पहले आप लोगों को दो हाथ को आपको ध्यान पे रखना पड़ता है, जैसे कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। हम लोगों को दो हाथ है, दो हाथों पे कौन सा फिंगर यूज करना चाहिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कीबोर्ड बजाने के लिए। ठीक है, तो मैं फिंगर के बारे में बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड के बारे में बता रहा हूँ। लेफ्ट हैंड आपको जो फिंगर है आपको बजाना है इनमें से ये वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तीनों फिंगर देखो, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों को बजाना है इस लेफ्ट हैंड से, और जो राइट हैंड है उससे आपको बजाना है ये फिंगर है और ये नंबर, मतलब 1 3 और ये 5, 1 3 और ये 5। तो इन फिंगर को दोनों साथ में बजाना है। ठीक है, तो अभी मैं बजा के दिखाता हूँ ये फिंगर को कैसे बजाता है, दोनों को एक साथ में कैसे बजाते हैं। चलो, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ कैसे बजाना चाहिए कीबोर्ड एक साथ में, जैसे कि मुझे ये देखिए दो हाथ एक साथ में, सी डी दोनों हाथ को एक साथ में बजाना है और मैं सामने से दिखाने के लिए कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है सारे गामा पादा नीसा और सी डी ई एफ जी ए बी, मतलब सी डी ई एफ जो हम बोलते हैं और सारे गामा जो बोलते हैं वो सेम ही है। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सी डी ई एफ जी ए बी और हमारे इंडियन म्यूजिकल बोलते हैं सारे गामा पादा नीसा, तो वही सेम चीज़ है। मैं आपको दिखा देता हूँ सी डी ई एफ जी ए बी। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग जो पूरा जितना भी गाना होता है इसी से हम बजा सकते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार, सी डी ई एफ जी ए बी। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा ऐसा। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हो गया सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, ऊपर से भी आप पकड़ सकते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, इस पे पकड़ना। ठीक है, फिर से दिखाता हूँ, सा सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे जो 1 2 3 4 कहते हैं उसे मैं दिखाता हूँ। ठीक है, डी से पकड़िए, डी देखिए, डी हो गया आपका 1 2 3 4, डी सी बी ए, डी सी बी ए उसी को कहते हैं 1 2 3 4,
1 2 3 4। आपको आवाज़ में भी आपको पता चल सकता है, या आप ध्यान से सुनिएगा, डी जब बजाएंगे तो वन का आपको टून सुनाई देगा, सुनाई दिया ना। तो इसी तरह से आप आवाज़ को सुन के आपको बजाना है कहाँ से आपको 1 2 3 आ रहा है। मैंने तो बोल भी दिया और दिखा भी दिया कि 1 2 3 कहाँ से आता है, 1 2 3 3 4, ठीक है। और ये रहा मेरा सारे गमा पौधा निशा, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक बजा सकते हैं। ये जो चीज़ है सेम है, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी सेम है, तो ये नहीं बजाने से भी चलेगा, कोई बात नहीं है। अब क्योंकि यहाँ से आप कंटिन्यू बजा के आप जा रहे हैं तो यहाँ पे आप स्टॉप हो सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से आप पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे तो ये चीज़ जो है सेम आपको मिलेगा, ठीक है। तो बात अभी मैं मेजर के बारे में बोलने वाला हूँ, मेजर और माइनर क्या होता है, ठीक है। तो हम ये जो फिंगर है और ये जो फिंगर है और ये जो फिंगर है, हम तीनों को एक साथ में हम सी स्केल पकड़ेंगे, ठीक है। सी मेजर, यहाँ पे देखो मैंने कैसे पकड़ा है, सी डी ई ई एफ जी ए और ये रहा बी, ठीक है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं, सी मेजर डी ई एफ जी ए और ये बी, ठीक है। ध्यान से देखिए मैं क्या क्या बजा रहा हूँ, कौन सा दिखा रहा हूँ, ये और ये और ये एक साथ में पकड़ना, ठीक है। सी हो गया और ये डी यहाँ का, ये ऐसे इस तरह से पकड़िए, डी हो गया और ये ठीक है। देखो ये हो गया आपका ई, ठीक है। एफ एफ ये रहा जी और ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है। ये हो गया हमारा मेजर। और मैं माइनर के बारे में बताता हूँ, सी से पकड़ना है, सी यहाँ पे देखिए, सी डी ई एफ जी ए और ये बी, ठीक है। इस तरह से फिर एक बार दिखा देता हूँ, माइनर सी माइनर डी ई एफ जी ए और ये बी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान पे रखिए और ऐसे रिहर्स करते रहिए, ऑटोमेटिक आप लोग का हाथ फ्री हो जाएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए आगे बढ़ने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।